फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दिमाग से पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे लाइव आ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच जाए। सभी जल्दी से लाइव आ जाएंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो विश्व में निवास करने वाले वासियों से रिलेटेड होगी, कि कौन व्यक्ति कहाँ पर निवास करते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी क्लास को आप लोग मिस ना करें। सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। डेली 7 बजे यहाँ पर क्लास होती है, रोज़ शाम को 7 बजे आपको आना है, क्लास अटैम्प्ट करनी है। और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जिन बच्चों को PDF चाहिए वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी PDF मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग PDF देख सकते हैं। और अगर आपको फेस टू फेस क्लास नोट्स बनाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, न्यूजीलैंड के वासियों को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन नंबर ए है माओरी, ऑप्शन नंबर बी है पिग्मी, ऑप्शन नंबर सी है गाउची और ऑप्शन नंबर डी है याकूत। अगर आप जानते हैं राइट आंसर तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ए बी सी या फिर ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड के वासियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए माओरी, ऑप्शन नंबर बी पिग्मी, ऑप्शन नंबर सी गाउची एंड ऑप्शन नंबर डी याकूत। जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। माओरी बताने वालों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है आपका। न्यूजीलैंड के वासियों को माओरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, बद्दू कहाँ के निवासी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए नटाल प्रांत के, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर सी अरब के एंड ऑप्शन नंबर डी है मध्य और दक्षिण अफ्रीका के। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बद्दू कहाँ के निवासी होते हैं, कहाँ के निवासियों को बद्दू कहा जाता है, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और दे दीजिए अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं अरब, उनका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी अरब बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो बेसिन अफ्रीका के वासियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बातू, ऑप्शन नंबर बी याकूत, ऑप्शन नंबर सी जुलू एंड ऑप्शन नंबर डी है पिग्मी। अगर आपको पता है राइट आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी क्लास में आ सकें और इन क्लास को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिएगा। जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किया है पिग्मी, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, कांगो बेसिन अफ्रीका में रहने वाले जो लोग हैं उनको पिग्मी कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, रूस के टुंडा प्रदेश के वासी क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए रेड इंडियन, ऑप्शन नंबर बी याकूत, ऑप्शन नंबर सी गाउचो एंड ऑप्शन नंबर डी है बुशमैन। अगर आप जानते हैं राइट आंसर तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। रूस के टुंड्रा प्रदेश में वासी हैं वो क्या कहलाते हैं, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी, जल्दी सेलेक्ट कर लीजिए अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर। जल्दी जल्दी सभी के आंसर आने चाहिए, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी, रूस के टुंड्रा प्रदेश के वासी क्या कहलाते हैं। जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं याकूत ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का सही उत्तर होगा, अदरवाइज आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में किसी भी तरह से आपसे गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र के रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, बिना कोई टाइम गवाए जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए, चारों ऑप्शन देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र के रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गाउचो, ऑप्शन नंबर बी हेमिस एंड ऑप्शन नंबर सी
खिर्गीज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर ए को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। और जिन लोगों को नहीं याद है वो लोग भी याद कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए इस क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के तटीय क्षेत्रवासी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए एस्किमो, ऑप्शन नंबर बी रेड इंडियन, ऑप्शन नंबर सी मसाई एंड ऑप्शन नंबर डी बातू। अगर आपको मालूम है राइट आंसर तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं बताऊँगी तो आपको याद रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं, जल्द आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ाई पर फोकस करिए, इधर उधर से ध्यान हटाइए, अब केवल पढ़ाई पर वापस आ जाइए और बताइए जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और नोट्स भी आप बना लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम पर जा कर के। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर स्टडी दिमाग से सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और बाकी डेली शाम को 7 बजे आपके लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके किस लेवल के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर बताया है ऑप्शन नंबर बी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर है, रेड इंडियन बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, एस्किमो कहाँ के निवासी होते हैं? कहाँ के निवासियों को एस्किमो कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी अफ्रीका के निवासियों को, ऑप्शन नंबर बी कालाहारी मरुस्थल के निवासियों को, ऑप्शन नंबर सी कनाडा के टुंड्रा प्रदेश के, और ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका के वासियों को। अगर आपको मालूम है राइट आंसर तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। एस्किमो कहाँ के निवासी होते हैं? तो जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल सही उत्तर है, सी बताने वालों का होता है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए स्टडी दिमाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी के सामने। क्वेश्चन है, मसाई कहाँ के निवासी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर सी मध्य व दक्षिण अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर डी एशिया के स्टेपीज देश के। अगर आप जानते हो राइट आंसर तो बता दीजिए इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मसाई कहाँ के निवासी होते हैं? पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मध्य व दक्षिण अफ्रीका, एशिया के स्टेपीज देशों के। तो जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं पूर्वी अफ्रीका ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल राइट आंसर होता है, ऑप्शन ए सिलेक्ट करने वालों का हो गया है बिल्कुल सही उत्तर। खुश हो जाइए, इंजॉय कीजिए और पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, उत्तरी अफ्रीका के वासियों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर खीरगीज, ऑप्शन नंबर बी है हैमिट्स एंड ऑप्शन नंबर सी है बुशमैन, वहीं ऑप्शन नंबर डी है मसाई। अगर आप जानते हैं राइट आंसर तो बताइए और नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारी चीज़ें याद करना, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, आपको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो आए हुए क्वेश्चंस भी हैं ये आपके एग्ज़ाम में, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे स्किप करके ना आए और ना ही उसे आपको नंबर गंवाना है। अच्छे से याद कर लीजिए, पूरा अच्छे से इसे समझ लीजिए। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। तब अगर आप इसे कहानी की तरह नोट्स में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज्योग्राफी की क्लास आपके अंकित सर लेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मैप के ज़रिए भी आपको बताएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे आप तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन बच्चों ने बी बताया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, हैमिट्स बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो नए बच्चे हैं उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपने नहीं कर रखा है तो, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप बेल आइकन क्लिक नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है।
डेली शाम को 7 बजे मेरी यहाँ पर क्लास होती है, तो शाम को 7 बजे आप लोग क्लास ज़रूर लेने आया कीजिए। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन से और वीडियो देख सकते हैं, टेलीग्राम पर PDF ले सकते हैं। जिन बच्चों ने यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। एशिया स्टेपीज देश के जो वासी होते हैं वो खिरगीज कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल के लोग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए जुलू, ऑप्शन नंबर बी मसाई, ऑप्शन नंबर सी बुशमैन एंड ऑप्शन नंबर डी याकूत। अगर आपको पता है राइट आंसर तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कालाहारी मरुस्थल बात्सवाना के लोग क्या कहलाते हैं? ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको पता हो उत्तर तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं तो आप याद कर लीजिएगा और बताऊंगी ज़रूर, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहां ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो जो बच्चे यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। जिन्हें नहीं याद है वो लोग याद कर लीजिए, जिन लोगों को गलत हो गया है वो लोग सही कर लीजिए। राइट आंसर होगा आपका बुशमैन, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल में जो लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं बुशमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, नटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका के लोग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए बातू, ऑप्शन नंबर बी यकूत, ऑप्शन नंबर सी जुलू, ऑप्शन नंबर डी पिग्मी। अगर आप जानते हैं सही उत्तर तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, नटाल प्रांत के लोग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए बातू होते हैं बहुत ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी याकूत कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जुलू कहलाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी पिग्मी कहलाते हैं। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर सी जुलू उनका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत एवं चीन के मध्य कौन सी रेखा है, जो रेखा है उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा है। भारत और चीन के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डुरंड रेखा, ऑप्शन नंबर बी है मैगिनॉट रेखा, ऑप्शन नंबर सी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर डी है 49वीं समांतर रेखा। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, अभी तक तो सिलेक्ट हुआ नहीं है ना, जल्दी सिलेक्ट करिए, सभी के आंसर आने चाहिए। जितने बच्चे भी यहाँ पर देख रहे हैं सभी जल्दी जल्दी क्लिक कर दीजिए, और कम बच्चे हैं तो इसको शेयर कर दीजिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बच्चे करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, SDR दिमाग से आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहा है। तो यहाँ तक उन्हें बुलाइए, उन्हें बताइए, शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि अदर बच्चे भी आएँ और इन क्लास को अटेम्प्ट कर सकें, क्वेश्चंस के आंसर दे सकें, PDF ले सकें और नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम भी निकाल सकें, ठीक है। चलिए, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है ऑप्शन नंबर सी को उनका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने सिलेक्ट किया ही नहीं है वो लोग याद कर लीजिए, जिनका गलत हो गया है वो भी याद कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए इसको राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य में जो रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 38वीं समांतर रेखा, ऑप्शन नंबर बी है आपका 17वीं समांतर रेखा, ऑप्शन नंबर सी है आपका हिंडनबर्ग रेखा एंड ऑप्शन नंबर डी है डुरंडो रेखा। तो जो बच्चे यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की रेखा के लिए ऑप्शन नंबर डी को उनका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन डी बताने वालों का बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है। ऐसे ही देखते रहना है, पढ़ते रहना है, करते रहना है, स्टडी दिमाग से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए क्लास को। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे किस नाम से, इसका आंसर तो आप सभी दे पाएंगे मुझे पूरा भरोसा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं, सभी जानते हैं, बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सभी बताएंगे। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जो बच्चे यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है, बिल्कुल सही सी बताने वालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है, जो रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आप सभी ये सामने हैं,
ऑप्शन देखिए और अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए, इतना आलस ना कीजिए, ज़रूर आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन है कि जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा है। लाइव यहाँ पर देख तो रहे हैं बच्चे, लेकिन कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो जितने लाइव हैं उतने लाइक होने चाहिए और उतने बच्चों के कमेंट आने चाहिए। फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में जो रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर डी सिलेक्ट किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बताने वालों का, ठीक है। हिंडनबर्ग ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का होता है बिल्कुल सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में जो रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मैगिनॉट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डुरंडो रेखा एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अगर आप जानते हो सही उत्तर तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में जो रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं। सभी बच्चे आंसर कीजिए, सभी के आंसर आने चाहिए, जल्दी जल्दी क्लिक कर दीजिए अपना सही उत्तर कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर। जो बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं मालूम है याद कर लीजिए, याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट तरीके से कीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके ज़ुबान पर होना चाहिए, सेकेंड में आपके आंसर आने चाहिए। जीके से रिलेटेड तो तुरंत आंसर आना चाहिए, कोई आपको सॉल्व नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई ट्रिक नहीं अपनानी, तुरंत आपको बस देखना है अगर आपने पढ़ रखा है कहानी की तरह, टॉपिक अगर इसका आपने पढ़ रखा है, नोट्स अगर बना रखे हैं तो आंसर करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सेकंड में क्वेश्चन देखते ही आप आंसर टिक करेंगे, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप नोट्स भी ज़रूर बनाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी रेखा है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, जो आपको राइट लगे क्लिक कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। चार ऑप्शन आप सभी के सामने आ चुका है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी रेखा है, सही उत्तर जल्दी बताइए क्या होगा। जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए बताने वालों का होता है बिल्कुल सही उत्तर, तो याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य कौन सी रेखा है। उस रेखा को किस नाम से जानते हैं जो उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में है, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी सिलेक्ट करिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, बिना कोई देरी करते हुए सिलेक्ट कर लीजिए अपना राइट आंसर। तो जो बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 38वीं समांतर रेखा, उनका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का होता है बिल्कुल सही उत्तर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिना कोई देरी करते हुए जल्दी सिलेक्ट कर लीजिए सही उत्तर। क्वेश्चन है यूएसए एवं कनाडा के बीच कौन सी रेखा है। ऑप्शन नंबर ए डुरंडो रेखा, ऑप्शन नंबर बी मैगिनॉट रेखा, ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा एंड ऑप्शन नंबर डी 49वीं समांतर रेखा, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कोई भी आंसर देने का मौका ना गवाए, जल्दी से क्लिक कर दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यूएसए एवं कनाडा के बीच कौन सी रेखा है, बिल्कुल तो ऑप्शन डी बताने वालों का राइट आंसर होगा, ठीक है। जो बच्चे डी सिलेक्ट कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर, अगर आप कह रहे हैं डी तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ऑप्शन डी सिलेक्ट करने वालों का हो चुका है बिल्कुल सही उत्तर। और इसी के साथ आज की क्लास होती है ख़त्म, मिलेंगे अब हम अगली क्लास में। जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिन्होंने पहली बार क्लास अटेम्प्ट की है, तो वो लोगों को अगर कुछ ये आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसे भी आप ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। बेल आइकन क्लिक करेंगे तो इससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे तो मैं आपको कहना चाहूँगी डेली 7 बजे यहाँ पर होती है क्लास, तो 7 बजे तक आप लोग ज़रूर फ्री हो जाया कीजिए और क्लास को अटेम्प्ट कर लिया कीजिए। इसके अलावा सिर्फ यही एक क्लास नहीं होती है, और भी क्लास हम आपके लिए बीच बीच में फेस टू फेस क्लासेस नोट्स आपको उपलब्ध कराते रहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके रखें। इतना ही नहीं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की तो आपको पूरे कोर्स ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग जा करके देखिए, रीजनिंग का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट है,
डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो भी टॉपिक पढ़ना है देख लीजिएगा, संदीप सर जी ने पढ़ाया है। इसके अलावा इंग्लिश भी हमारे राजेंद्र सर जी ने पढ़ाया है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश नहीं अगर आपका क्लियर है, तो सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं राजेंद्र सर जी ने। इंग्लिश की क्लासेस भी आप जा करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री आप पंकज सर की क्लास ले सकते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, उन्होंने भी पढ़ाया है। और मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट मैंने भी आपको क्लियर करा रखा है, बाकी आगे मैं आपके लिए ला रही हूँ वीडियो, ठीक है, बहुत जल्द। इसके अलावा जो भी आपका टॉपिक है सारे मिलेंगे। मैथ्स तो आपको मिल ही जाएगी, गोपाल सर जी ने भी पढ़ाया है, अमित सर जी ने भी पढ़ाया है, साइंस भी पढ़ा रखी है अमित सर जी ने, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ के देखिएगा उनसे, साइंस मैथ उनके बहुत अच्छे पढ़ाते हैं वो, तो ज़रूर पढ़िएगा। हमारे अदर टीचर्स की क्लासेस भी ज़रूर लीजिएगा, और पूरे कोर्स उन लोगों ने कंप्लीट करा रखे हैं, पूजा मैम ने कंप्यूटर भी कंप्लीट करा रखा है, तो सारा कुछ आप इस क्लास में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए दिल से, दिमाग से, हर तरह से, ठीक है, सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। लॉकडाउन भी ख़त्म हो चुका है, एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, बहुत करीब है एग्ज़ाम, तो अब सिर्फ़ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए, केवल और केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और बस इतना ही है कि नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए, डेली शाम को 7 बजे आइए, क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिए, और डेली एक सेट लगाइए, एक पेपर, क्वेश्चन पेपर एक रोज़ सॉल्व किया कीजिए, पुराने जितने पेपर्स हुए हैं अब तक, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर लीजिए और उन्हें सॉल्व करने बैठ जाइए, ठीक है। इससे आपकी स्पीड तेज़ होगी और साथ में आपका रिवाइज भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो कुछ हद तक हिस्ट्री उस्ट्री अगर हम उठा लें तो वही डेट होती हैं, वही नाम होते हैं, वही सब रिपीट होते हैं। मैथ्स के भी कुछ वही होते हैं, बाकी करंट अफेयर्स आप लेते रहा कीजिए क्लास, आपके अंकित सर क्लास लेते ही हैं करंट अफेयर की, तो नए से भी आप जुड़े रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको रेगुलर सुबह अखबार पढ़ना है, न्यूज़ देखा कीजिए, और अंकित सर जब आपके लिए क्लास लेकर के आते हैं तो करंट अफेयर्स की क्लास भी अटेम्प्ट कर लिया कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज इतनी देर बात करके, ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास कल शाम को 7 बजे होगी, ज़रूर आइएगा, शाम को 7 बजे मिलते हैं कल क्वेश्चन आंसर के साथ। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए, अगर चाहिए क्या, चाहिए ही आपको, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, PDF लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, PDF लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे टॉपिक क्लियर कीजिए, नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम इस बार आपको क्लियर करना ही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ बने रहे इतनी देर तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए स्टडी दिमाग से।